ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਟੋਗਾ ਸਵਾ ਜਾਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਹ ਛੱਟੀ ठाकुर से तरुण अपना सब्सक्राइबर है और अभी से नहीं है मतलब सीरियल के टाइम से है ना एम्बर स्पीड डाउन प्रोडक्शन टेक 1 जी यहां पे चल रहा है आखिरी डिनर और ये भाई साहब उठ गए गुड मॉर्निंग है मतलब घर का आखिरी डिनर सुखी है वो क्या बड़ा नहीं कुछ खाने क्यों सब खुश है वो तो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी घर का खाना खाया जा रहा है बिकॉज इसके बाद तो फिर जब आएंगे वापस अगली बार तो ही घर का खाना नसीब होगा। और लास्ट व्लॉग में जो थार वाली कहानी थी थार सुखी थार ले दे यार मम्मी बोलती ले ला है मैं सुखी थार ले दे बोलती ले ला है नए साल में लेंगे थार। तो मतलब प्लानिंग वही है जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया मैं जाके देख के आया सब डिटेल्स लेके आ चुका हूँ बस बुकिंग अमाउंट देनी है फिर हम थार की जो प्लानिंग प्रोसेस आगे बढ़ा देंगे। तो अभी क्या बना खाने में दही वाली रंगी माता जी को प्रणाम राम राम माता राम 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 ओके बोबो ने पिछली बार बोला जब मैं खाना खा रही होती हूँ ना उस टाइम मत कैमरा घुसाया कर मेरे मुंह के अंदर मैं उग्रा खाना होता है। तो इसके बाद मैं सीधा आपको मिलूंगा बस अंदर और भाई तरुण जी की हाल चाल है फिर यार वेट कराया तुम काफी यार लेट तो नहीं हो गया ज्यादा। तो गाइस फाइनली चंडीगढ़ और मिला तरुण ठाकुर से तरुण अपना सब्सक्राइबर है और अभी से नहीं है मतलब सीरियल के टाइम से है ना हाँ जी शो आया था स्टार प्लस पे तब से तरुण मतलब मेरे को जानता है और तब से हम लोग जुड़े हुए हैं और पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि कोई सब्सक्राइबर मेरे को लेने आया है। आज का दिन हम चंडीगढ़ में ही है भाई थोड़ा सा टाइम पास करेंगे और चिल मारेंगे फिर उसके बाद हम अपनी जर्नी कल ले के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस फाइनली फ्लैट में पहुंच गए हैं अभी शांति का प्रतीक चल रहा है। ठाकुर जी आप कहाँ लेके जाओगे घुमाने के लिए आज चंडीगढ़ शहर में ले जहाँ बोलो चलते हैं पहले तो एक दो काम है वो करने जरूरी हैं फिर वो करके हम लोग निकलते हैं इतने में तो मार्केट भी नहीं खुलती होगी अभी तक तो परम सचिकल की हालचाल ठीक है जी फाइनली फाइनली कितने तुसी चेहरा दिखाया अपना व्लॉग पिछली बार तो तुसी गाल ही नहीं कर रहे सीगे हंसदे हंसदे चेहरे का मतलब ही नहीं कोई तकलीफ नहीं है तो सरकारी प्रेशर बहुत है। सो जी अभी मैं और तरुण जा रहे हैं पीजीआई परम की मम्मी को मिलने और परम की वाइफ को मिलने तो ज़्यादा कुछ नहीं है थोड़ा सा रूटीन चेकअप से तो मैं कहा वहीं पे जाके आंटी को मिल लेता हूँ तो फिर वहाँ से परम ऑफिस चला जाएगा फिर हम दोनों थोड़ा सा घूम लेंगे थोड़ा दो टाइम पास कराएंगे और भाई के साथ तो भाई के साथ कुछ खा पी भी लेंगे मौज मस्ती भी मार लेंगे। तो जी यहाँ पे भी ट्रैफिक का सामना हो रहा है और लड़के ने चश्मे पहन लिए लड़का भी चमक रहा है हमारे साथ हम भी चश्मे पहन लेते हैं थोड़े जी वेलकम टू चंडीगढ़। तो पीजीआई में गया था तो कुछ बातें मैंने घर वालों से साझी की इसने भी सुनी तो मेरे को थोड़ा सा अपना मेडिकल सिस्टम है ना थोड़ा सा अटपटा लगा कि लोग बेचारे वेट कर रहे हैं बाहर बेड के बेड लगे हुए हैं लोगों को अंदर जाने के लिए जगह नहीं है। फिर मैंने जब परम को पूछा वो बोलता क्या कर सकते हैं यार यहाँ समझ ही नहीं आ रहा लोगों को वेटिंग महीना महीना लग जाती है बेड मिलने के लिए। आई थिंक मेरा तो चलो व्लॉग बहुत छोटा सा है पता नहीं कहाँ कहाँ जाके लोगों तक पहुंचे कोई बट कुछ ना कुछ अपने देश की मेडिकल सर्विसेज को कुछ करना चाहिए जरूरी नहीं है कि हम पे जब आपत्ति आए तभी हमें कुछ करना चाहिए पहले से बैकअप्स रेडी होने चाहिए इतने लोग भी यार इंसान ही है इनके तभी दिल ही है धड़कन ही है कुछ तो सोचा जाए। जी हम लोग आ गए लांचे तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम पास करेंगे कुछ खाएंगे पियेंगे क्या खाएगा जो मर्जी बंदा खवा दिया तेनू ओके डन डन साहब डन वेकअप कैफे शाम नू कदा वेकअप होया
ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਖ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ 68 ਸੈਕਟਰ ਨਿੱਕੀ ਭਾਈ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਲੌਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਕਅਪ ਕੈਫੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਵੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਕ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ 68 ਸੈਕਟਰ How are you ਵੀਰ ਜੀ I am good All good ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ ਬਸ 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 ਯਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨਿੱਕੀ ਭਾਈ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਲੌਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਕਅਪ ਕੈਫੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਵੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਕ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ 68 ਸੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਚਟ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਇਟਸ ਆਨ ਰੂਟੀਨ ਬੇਸਿਸ ਵੇਕ ਅਪ ਅ ਫਿਊ ਮੋਮੈਂਟਸ ਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈਏ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਕੇ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਯਹੀਂ ਪੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਯਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ सारियां बंद कर दी आप लोगों ने पीछे पाजी की साइट्स भी देख ली तो अगर किसी को चंडीगढ़ से कोई गलती से मेरा व्लॉग देख रहा है चंडीगढ़ मोहाली से क्या नाम है ग्रीनलैंड कंस्ट्रक्शंस अपना व्लॉग हजे चरम सीमा ते आया है तो अगर कोई अच्छे से देख रहा है तो पाजी को कॉन्टेक्ट कर सकते हो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा छोटा सा पाजी के नाम का तो वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो बाकी यारों दोस्तों की वजह से वैसे व्लॉग्स होते हैं सिंगल बंदा तो वैसे व्लॉग संभाल नहीं पाता तो चंडीगढ़ आए हो जलंधर गए हो कहीं गए हो तो सिर्फ फ्रेंड्स की वजह से व्लॉग्स अच्छे बनते हैं तो बाकी आज का दिन चंडीगढ़ में बहुत अच्छा रहा कल के जो व्लॉग है जो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं अभी भी बोल रहा हूँ अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर सकते हो जमवाल यहाँ है वहाँ पे जाके देख लो मैं कहाँ जा रहा हूँ स्टोरीज ऑलरेडी डल चुकी हैं और कुछ कहना है सब्सक्राइब करना माड़ा जा ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਵਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਬਲ ਪੇ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਔਰ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਆਪਕੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਤਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਦਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜੋ ਕਿ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਦੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਏ